रेडमी नोट 7 या फिर रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर एक इशू आती है, सभी बैंकिंग एप्लीकेशन कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो नो सिम कार्ड डिटेक्टेड या फिर नो सिम कार्ड फाउंड, ये जो प्रॉब्लम है वो लिखी आती है, प्रॉब्लम इशू आती है रेडमी नोट 7 प्रो या फिर 7 के अंदर बस। तो सिम कार्ड की इशू है, नो सिम कार्ड फाउंड या फिर नो सिम कार्ड डिटेक्टेड, कैसे आपको ठीक करना है वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो एक 100% वर्किंग मेथड है जो कि आपको ट्राई करना है एंड इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ये जो मतलब आप करोगे अपना प्रोसेस, जो भी ऐप है जैसे पेटीएम हो, यूपीआई, जो भी गूगल पे, फोन पे, तो आपका जो सिम कार्ड है वो स्लॉट नंबर 1 में लगा होना चाहिए। वो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका सिम 1 नंबर वाले स्लॉट में है, ठीक है। सिम 2 हमारे फ़ोन में लगते हैं तो 1 नंबर वाला जो स्लॉट होता है उसमें लगाना है। अब यहाँ से मेन प्रोसेस क्या है, सेटिंग खोलनी है आपको अपने फ़ोन की। सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको ऐप्स एंड मैनेजर या फिर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग फ़ोन के हिसाब से हो सकता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये बेसिकली सेटिंग सिर्फ रेडमी नोट 7 नहीं बल्कि सभी डिवाइस के लिए जिसमें इश्यू आती है, तो यहाँ पे आपको ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपके ऑल ऐप्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, ठीक है, जो सिक्योरिटी का जो ऐप होता है उसको आपको यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पर है वो। नीचे आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी करके, ठीक है, यस की जो लाइन होती है मतलब जो एस वाला यस से शुरू होते ऐप से, वहाँ पे आपको नीचे मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी ऐप में जाना है और उसके बाद इसका जो है स्टोरेज में जाना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके स्टोरेज में जाना है सिक्योरिटी ऐप के, और उसके बाद इसका क्लियर डेटा करना है, ठीक है। अभी भी फिलहाल मैं दूसरे ऐप का कर रहा हूँ। आपको बस सिक्योरिटी ऐप के ऐप इन्फो में आना है, जैसे ये मान लीजिए ऐप इन्फो है, इसके स्टोरेज में जाइएगा और इसका क्लियर डाटा आपको कर देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, फ़ोन को बंद करके चालू कीजिए और उसके बाद देखिए आपकी जो भी ऐप है जैसे पेटीएम हो, गूगल पे, फोन पे, जो भी आपकी ऐप है उसमें आपका सिम कार्ड डिटेक्ट भी हो जाएगा और आपको ओटीपी भी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।